Welcome you all in my class. Today we'll discuss on about what is population interaction. Okay, so what is population interaction? An individual of a population is directly or indirectly influenced by a number of different species. Tamane kon hala na गोटे पॉपुलेशन को आम देखा एटा गोटे एरिया गोटे पर्टिकुलर एरिया रे केते पॉपुलेशन रोचंदे बा केते प्रकार रा एनिमल्स आम से देखा को पाइबा तो प्रत्येक एनिमल समस्ते समस्त डिपेंडेंट जस्ट लाइक आम हूँ ह्यूमन बींग्स जो पॉपुलेशन अंडर मानने जो कम्युनिटी अंडर में रोचे तो सीठी आम क्या क्या फेस करे ना डिफरेन्ट एनिमल आम चारिपाटे रोचंदी जस्ट लाइक प्लांट्स मैंने रोचे तो आम से द्वारा कौन हूँ ना कि इंटराक्शन आसूचे आमर तक सहित कि आसूचान किसी परिमाण इंटराक्शन करूँ इफ देयर इंटराक्शन अमंग द मेम्बर ऑफ अ सेम स्पेसीज जदि गोटे ह्यूमन मैंने जस्ट एग्जांपल दूची जदि गोटे ह्यूमन ह्यूमन सहित किसी इंटराक्शन कला आम कौन कह इंट्रा स्पेसीफिक इंटराक्शन कह ताने इंट्रा स्पेसीफिक केतब ना अमंग द सेम स्पेसीज रोटे स्पेसीज अंडर में डिफरेन्ट मेम्बर्स जदि इंट्राक्शन आसला तेल कौन कह इंट्रा स्पेसीफिक आसवा जस्ट आर अपोजिट हम कौन ना इंटर स्पेसीफिक इंटर स्पेसीफिक कहले कौन ना इंट्राक्शन बिटवीन द मेम्बर अफ अ डिफरेन्ट स्पेसीज ते भिन्न भिन्न स्पेसीज भितर जब इंट्राक्शन आसो विदिन ए कम्युनिटी गोटे पर्टिकुला कम्युनिटी डिफरेन्ट स्पेसीज जस्ट लाइक गोटे आम गोटे पपुलेसन कम्युनिटी गोटे ना तर आम देखा कौन ना गोटे मनकर गाई गाई सहित ह्यूमन रमे सेवा करे किसी उपकृत हो सी भी आम उपकृत हो तो ये जोटाक आसवाक इंटर स्पेसीफिक इंट्राक्शन कहला नेक्स्ट देखिबा पॉपुलेशन इंट्राक्शन आर फोर टाइप्स ये चारि प्रकार रही था कौन कौन ना म्यूचुअलिज्म कंपिटिशन आउटा हूँ प्रोडक्शन आउटा हूँ पारासाइटिज्म सो व्हाट इज म्यूचुअलिज्म म्यूचुअलिज्म क्या कहुए तो नाटा जमी लिखाई म्यूचुअलिज्म तो म्यूचुअल करदे मान कौन जिनस को सामान भाव में करदे तो सेटा म्यूचुअल कहवा तो से भाई भाव में यहाँ होता इट इज एन इंट्राक्शन बिटवीन टू और मोर स्पेसीज इन ह्विच ऑल आर म्यूचुअली बेनिफिटेड ताने जड़े जन डिपेंडेड रही ये भी बेनिफिटेड पाथ्व सी भी बेनिफिटेड पाथ्व दे डिपेंड ऑन ईच अदर जड़े जनक डिपेंडेड हो फॉर देयर सर्वाइवल एंड ऑफटन बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर ताने जड़े जनक डिपेंडेड रोथ्वे जमीक आम गोटे गाई आ गए ह्यूमन गोटे एग्जांपल देवी तो गोटे गाई कौन कर गाई रम सेवा जत्न कले तो सी आम को कौन कर तो से अनुसार आमर मैंने कौन क्षीर देला क्षीरटा को आम कौन करे दही छेना करें बिकिकी आम भी बेनिफिटेड पाचे तो मैंने सी भी बेनिफिट होम द्वारा आम भी द्वारा बेनिफिटेड हेलो तो आम सेमता किसी एग्जांपल नवा कौन गोटे आसो लाइकेन तो लाइकेन कौन करे ना इट इज एन आसोसीएसन अलगा एंड फंजी तो लाइकेन आम कौन पढ़वा ना गोटे अलगा आउ फंजी भितर इंट्राक्शन पढ़वा तो अलगा आउ फंजी कौन करती द अलगा प्रोवाइड फूड अलगा अलगाटा हूँ कौन ना ग्रीन कलर ड्यू टू प्रेजेन्स अफ क्लोरोफिल पिगमेंट दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड तो अलगा कौन कर ना प्रिपेयर कर फूड को से फूडटा को कौन कर ना फंजी बियर कर अलगा सहित फंजी लगिकी रही था बा अलगा फंजी निज भितर कोऑपरेशन करके आसोसीएसन करके रही था तो फंजी खाइला तो आ कौन है ना अलगा रिसीव तो फंजी कौन करे ना प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे क्या ना अलगा को बुझेगा तो अलगा फूड प्रोवाइड कला फंगी फंगस को फंगी को फंजी को तापर मानने कौन है ना फंजी कौन कला ना अलगा ठार प्रोटेक्शन पाइला तो मैंने ये भी बेनिफिटेड है अलगा भी बेनिफिटेड है फंजी भी बेनिफिटेड है तो यहाँ है कौन ना म्यूचुअलिज्म देन देखा ये आम समस्त जानचे सेकेंड पॉइंटा कौन ना रूट अफ
लिगुमिन्स एंड राइजोबियम। तो राइजोबियम बोले गोटे बैक्टीरिया अच्छी, द लिव्स इन द रूट्स ऑफ लिगुमिनस प्लांट्स, जस्ट लाइक लिगुमिनस प्लांट अंडर रे किए जीव ना पी है ग्राम है ना, मैंने आम जहाँ कह डाली जातीय गछ, तो डाली जातीय गछर रूट्र नोड्स मानने नोड्स कि प्रेजेंट थांती ना ये बैक्टीरिया प्रेजेंट रहला जहाँ ना होची राइजोबियम। तो बैक्टीरिया कौन करे ना, द दिस बैक्टीरिया ऑब्टेन फूड एंड प्रोटेक्शन। तो प्लांट बॉडी भितर रहिला, प्लांट रो रूट रे रहिला, रूट नोडल्स गठरे रहिला, तो से ताको कौन कला ना ताटरो खाद्य पाइला, प्रोटेक्शन पाइला काटरो प्लांट हरो। अब प्लांट को ये कौन हेल्प कला ना नाइट्रोजन फिक्सेशन ने हेल्प कला। जवखारजन विबंधन आम जोड़ा पढ़ी जवखारजन विबंधन नाइट्रोजन फिक्सेशन रे ये कौन कला ना हेल्प कला ना नाइट्रोजन परिमाणटा को माने कौन करंदी ना अत्यधिक परिमाण रे अब्जर्व करि आनंती जोटा कि प्लांटटा भल भाबरे बढ़े। तो ये गला आमर कौन ना म्यूचुअल एजिंग। देन देखिबा कौन सेकेंड आसप कंपिटिशन। तो कंपिटिशन क्या कहुए ना जो भाया रही तार अर्थ भी से भाया रही कंपिटिशन इज डिफाइंड आज इंटराक्शन बिटवीन द मेम्बर ऑफ अ सेम स्पेसीज। तो कंपिटिशनटा सब बड़े दुई जन का सेम स्पेसीज भितर हो था कि डिफरेंट स्पेसीज भितर हो जदि सेम स्पेसीज भितर होमें इंटर स्पेसीफिक बोली कहीपर जदि से डिफरेंट स्पेसीज भितर सॉरी जदि कंपिटिशनटा सेम स्पेसीज भितर है इंट्रा स्पेसीफिक बोली कहीपर जदि से डिफरेंट स्पेसीज भितर हम ताल कौन हम ना इंटर स्पेसीफिक बोली कहीपर। तो एबे जानिबा कंपिटिशन हुए कौन पाई ना जदि गोटे कम्युनिटी भितर गोटे कम्युनिटी भितर डिफरेंट डिफरेंट एनिमल रहिले तो सेमानक भितर कौन पाई कंपिटिशनटा आसिबो। कंपिटिशन रो मेन कॉज होची फूड एंड सेल्टर एंड मेट पाई। तो आइदर फूड पाई कंपिटिशन हो किंबा सेल्टर पाई कंपिटिशन हो किंबा मेट खोजिबा पाई सेमाने कंपिटिशन कर पारथांते। द इंट्रा स्पेसिफिक कंपिटिशन द सोर्स आर इंट्रा स्पेसिफिक पाई सबबले सोर्स किए रहिबो ना फूड स्पेस और मेट। दिस टाइप ऑफ अ कंपिटिशन इज वेरी सीवियर। तो यहाँ प्रायत साधारण भाव में इंट्रा स्पेसिफिक कंपिटिशन टा सब बड़े देखा जाए। देन देखिबा इंटर स्पेसिफिक कंपिटिशन मे बी फॉर फ्रे फॉर सेम टाइप ऑफ अ फूड और फॉर सेल्टर। ये भी सही तमें कंपिटिशन टा सब बड़े गोटे एनिमल कौन पाई करे ना फूड सेल्टर एंड मेट पाई है। तो कंपिटिशन हेले माने तो जने जेमिति हेले जिते आउ जने जेमिति हेले हारिबो। तो सेतिपई कहला कोन ना कंपिटिटिव इन द कंपिटिटिव द इंटरफियर वन विल गेट एलिमिनेटेड इवेंचुअली। तो जदि गोटे आम देखा गोटे पर्टिकुलर प्लेस को बियर करवा से प्लेस भितर थिबा डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स माने प्रोवाइड करथिबे तो सेम स्पेसीज रो भी एनिमल्स माने थिबे। तो सेम स्पेसीज हो किंबा डिफरेंट स्पेसीज हो जतबेले सेमानक भितर कंपिटिशन टा सरी जिवो तो कंपिटिशन रो एंड रे जी सबबेले कोन टिके दुर्बल पड़ जिवो से ही कंपिटिशन रे हारिबो बा तारो पॉपुलेशन टा से जगरु माने टोटल एलिमिनेटेड हे जो बा तारो पॉपुलेशन टा कमी कमी के पड़ेबा। देन देखिबा आसिबो कौन ना प्रिडेशन। तो व्हाट इज प्रिडेशन। प्रिडेशन इज एन इंटर स्पेसिफिक इंट्रैक्शन वेयर वन एनिमल और प्लांट कॉल्ड प्रिडेटर व्हिच किल। प्रिडेटर कहाँ को कहिबा ना जी किल करे एंड कंज्यूम द इंडिविजुअल ऑफ अदर वीकर स्पेसीज कॉल्ड फ्रे। ता मैंने कौन हला ना इटि गोटे कंपिटिशन आसे से कंपिटिशन रे कौन हुए ना प्रिडेटर बोली जने कौन करे ना से गोटे खाद्य को खावा को चाहे। प्रिडेटर आम जो पढ़ी खाद्य और खादक भितर थी रिलेशनशिप को आम एवं देखा। तो प्रिडेटर जी खाइब आ खाइब ना खाद्य को खाइब। तो खाद्यटा को आम प्रे बोली कह तो प्रिडेटर क्या खाए ना से कौन करे ना कंज्यूम करे बा किल करे क्या द इंडिविजुअल ऑफ अदर वीकर स्पेसीज। ओबियसली जी स्ट्रंग होती है सब बड़े वीक उपर एक्शन निए आ कंज्यूम करे खाए। फॉर एग्जांपल प्रिडेटर आर ऑल कार्निवोरस। तो जो मैंने प्रिडेटर होता प्रायतः से मैंने कौन होता ना कार्निवोरस इन नेचर होता दे मे बी एनिमल और प्लांट। तो से एनिमल होता कि प्लांट होता। तो प्लांट मानक आम इनसेक्टिवोरस प्लांट्स मानक देखा पाइबा। द प्रिडेशन इज ए नेचुरल वे ऑफ
नेचुरल वे ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी फ्रॉम द प्लांट टू द हायर ट्रॉफिक लेवल। आम नेक्स्ट नेक्स्ट चैप्टर आम पढ़ा ट्रॉफिक लेवल, तो ट्रॉफिक लेवल को सब बड़े कौन हुए ना एनर्जी ट्रांसफर हो जाए। देन देखिबा प्रीडेटर कीप द प्रे पॉपुलेशन अंडर द कंट्रोल। ओब्वियसली जेतेबेले प्रीडेटर प्रे रो रिलेशनशिप को आमे बेस करिबा तो सबुबेले कौन हुए ना प्रे टाकु गोटे माने कौन मेंटेन रखिबा गोटे बैलेंस कंडीशन को किए आने ना प्रीडेटर आने। जदि प्रे प्रीडेटर प्रे को खाऊ नथांता ताले एनवायरमेंटल रे इनबैलेंस चली आसथांता, जति पई कि ये गोटे इकोसिस्टम को मेंटेन रखे बैलेंस रे किए ना प्रे एंड प्रीडेटर रिलेशनशिप। देन देखिबा प्रीडेटर हेल्प इन द मेंटेनिंग स्पेसीज डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी कहले कौन ना गोटे कम्युनिटी को बुझेब, तो ये कौन करे ना गोटे मैंने आमर कम्युनिटी कहले क्या प्लांट हो एनिमल हो बा डिफरेंट एनिमल्स हूँ तो बा डिफरेंट प्लांट्स को लेकर आम गोटे बायोडाइवर्सिटी कहींपर। तो डाइवर्सिटी को बा इकोसिस्टम को सबुबले गोटे बैलेंस कंडीशन को आने हेल्प किए करे ना प्रीडेटर। देन देखिबा के आसिबो ना पारासाइटिज्म। पारासाइटिज्म इज द इंटर स्पेसिफिक इंट्राक्शन वेयर वन ऑफ द स्पेसीज इज कॉल्ड पारासाइट व्हिच डिपेंड अपॉन अदर स्पेसीज कॉल्ड होस्ट फॉर फूड एंड शेल्टर। तो पारासाइट बोली क्या कहवा ना जी अलग गोटे एनिमल उपरे डिपेंड कर अलग एनिमल टाक प्लांट को आम कौन कहीपर ना होस्ट बोली कहीपर ताने गोटे पारासाइट सब बड़े होस्ट बॉडी उपरे डिपेंड करे। कौन पे डिपेंड करे ना ओब्वियसली तीन टा जिनिस होची मुख्य जिनिस, तो तीन टा कौन ना फूड शेल्टर एंड मेट पे। तो इठी आम दुईटा को मुख्य रखा कौन ना फूड एंड शेल्टर पे कौन करे ना गोटे पारासाइट सब बड़े होस्ट उपरे डिपेंड करके बचे। इन दिस रिलेशनशिप द पारासाइट ओनली बेनिफिटेड बट द होस्ट इज डैमेज्ड। तो इठी कौन हुए ना पारासाइटा सब बड़े बेनिफिट अंडर रे रुहे आउ होस्ट टिके डैमेज कंडीशन को आसवाटा होस्ट रो टिके बेनिफिट कम रुहे आ बेले बेले कौन हुए ना इमाने कमेंसलिज्म को पलि आसंती म्यूचुअल कर दे थांदे। सम ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ द पारासाइट दे इन्वॉल्व मोर देन वन अल्टरनेट होस्ट अल्टरनेटिव होस्ट। तो बेले बेले कौन हुए ना गोटे पारासाइट एकाधिक होस्ट बॉडी भितरे रहिबा को पसंद करे। देन देखिबा बट लाइफ साइकिल टाक मेंटेन करने कौन करती ना बेले बेले गोटे होस्ट भितर लाइफ साइकिल मेंटेन कर दिखती बेले बेले एकाधिक होस्ट बॉडी को मध्य प्रिफर करते। डिपेंडिंग अपॉन द ऑकरेंस ऑफ पारासाइट अपॉन द होस्ट बॉडी पारासाइट आर ऑफ टू टाइप्स। पारासाइटा होस्ट बॉडी रे देखा जीबा प्रोसेस को बेस कले एमाने दुई प्रकार रहितांदी बा कोठी आमे तंगो पाइबा गोटे हेतिबे एक्टोपारासाइट आउट हेतिबो एंडोपारासाइट। एक्टोपारासाइट कहले कौन ना जो माने बॉडी रो बाहर देखा जीबे होस्ट बॉडी रो बाहर लिव करथिबे तो सेमानो का आमे एक्टोपारासाइट बोली कहबा। जस्ट गोटे कॉमन एग्जांपल आसीबो के ना मस्किटो लाइस एगुडा को सब। नेक्स्ट आसीबा एंडोपारासाइट का को कह जीबो ना हु लिव विथ मैंने इनसाइड द होस्ट बॉडी होस्ट बॉडी भितर जी रोथ तो सब बड़े आसवे किए बैक्टीरिया वायरस वर्म्स ये सब आसवे। तो ह्यूमन बॉडी रो गोटे एंडोपारासाइट हिसाब से आसवे आमर किए ना इकोले। ओके इट्स ऑल अबाउट आवर पॉपुलेशन पॉपुलेशन इंट्राक्शन। ओके थैंक यू।